खबरों में आगे बढ़े उससे पहले जान लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल के सामने आ रही बोर्ड परीक्षा 2023 से जुड़ी हुई। जी आपसे हुआ था बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी भी एक बहुत ही बड़ी जानकारी इस वक्त प्रसारित कर दी गई है। आपसे भी बता दें बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर काफी सारे बदलाव किए जा रहे हैं, उसके बीच आज एक और सबसे बड़ा बदलाव इस वक्त कर दी गई है बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर। आपसे भी बता दें बोर्ड की परीक्षाओं को सरल और सहलयुक्त करने के लिए कई सारी बड़ी घोषणाएं भी की जा रही है। इसी बीच सरकार की तरफ से जो आज फैसला निकल के सामने आ रही है वो सबसे बड़ा फैसला निकल के सामने आ रही है। यदि आप भी इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में बैठने वाले हो और बोर्ड परीक्षा 2023 की परीक्षा देने वाले हो तो आप सभी से जुड़ी ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है यदि आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो। तो फिलहाल आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि रहेगी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही आप अपने बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आपके बोर्ड से जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ, आप सभी को बता दें कोरोना महामारी कारण लगातार दो वर्ष से बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रही थी और इसी बीच तीसरे साल आ चुके इस बार कोरोना वायरस का कार्य कम हो गया। इसी बीच सरकार ने सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पैटर्न के साथ साथ कई सारे बड़े बदलाव करने भी शुरू कर दिए, जिसमें सबसे पहले आपसे बता दें परीक्षा का समय भी कम कर दिया था कोरोना वायरस के कारण और वित्तीय समय में जो परीक्षाएं हो रही थी वो 2 घंटे 45 मिनट में लिया जा रहा था और इस बार आपकी परीक्षा पूरे 3 घंटे 15 मिनट की हो जाने वाली, यानी इस बार आपका टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है जिससे आप सभी को परीक्षा देने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आपके पास टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा आपको मिल गई है, यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट आपकी सरकार ने बढ़ा दिया है और ये काफ़ी सारे छात्रों मांगती और उसी बात को ध्यान में रखते सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। इस पर आप फिलहाल क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।